तुम्हारा शादी का जोड़ा और बाकी सामान भी तुम्हारे ससुराल से आया है। वैसे तुम्हारी तो लॉटरी लग गई, मुझे नहीं पता था कि साकिब अंकल इतने अमीर हैं। ये तो अपने अपने नसीब की बात होती है भाभी। मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी तो बस ये दुआ है कि वो घर मेरे लिए बाई से रहमत हो। ताकि मैं अपने अब्बा के सामने सुरखुरू रह सकूं। भाई अब ये तो वहीं जाके पता चलेगा कि कौन किसके लिए बाईसे रहमत बनता है, क्योंकि शादी से पहले बस शगुनी तो तुम खुद कर चुकी हो। आप कहना क्या चाह रही? वही जो तुम सुन रही हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि कल रात तुम किससे मिलने गई थी। वैसे आज तो ऐसा कोई इरादा नहीं ना। भाई वाह, एक बहन ने तो बगैर बताए शादी कर ली और दूसरी अगर ऐन शादी के दिन अपने आशिक के साथ भाग गई तो इस घर की इज्जत का तो जनाजा निकल जाएगा। वैसे आफरीन है भाई, ऐसी बेटियां भी होती हैं। आपको इस घर की इज्जत की फिक्र करने की जरूरत नहीं है भाभी। प्लीज, इस वक्त मैं आपसे नहीं उलझ सकती। मुझसे उलझना तुम्हारा बनता भी नहीं, और वैसे मुझे अब इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि तुम अपने आशिक से मिलने जाओ या घर से भाग जाओ मेरी बला से। खैर जल्दी से तैयार हो जाओ, पार्लर जाना है, बाहर ड्राइवर खड़ा हुआ वेट कर रहा है, और मजबूरन मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। और मेरे जाने से परेशान मत होना, क्योंकि अगर तुमने भागने का मंसूबा बनाया भी है तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। आप ये तुम्हारा गिफ्ट है। इसकी क्या जरूरत थी? मुझे इस वक्त तुम्हारी दुआओं की जरूरत है राबिया। वो तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। ये गिफ्ट कोई फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि एक दोस्त का हक है जो अब तुम पर उधार है मेरी शादी के लिए। पता नहीं क्यों राबिया, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आशिर यहां भी आकर कोई तमाशा ना कर दे। तुम उसकी फिक्र मत करो, वो हॉस्पिटल में है, मैं उससे मिलकर आई हूँ। और मुझे पूरा यकीन है आयला कि अब वो यहाँ कभी नहीं आएगा। तुम परेशान मत हो। अच्छा मैं जरा आंटी से मिलकर आती हूँ। Oh।
तुम यहाँ? घबराओ नहीं, मैं यहाँ सिर्फ ये देखने आया हूँ कि तुम दुल्हन बनकर कितनी हसीन लगती हो। मेरा मतलब है कि किसी और की दुल्हन बनके भी उतनी हसीन लगती हो जितनी मेरी बनके लगती है। बहुत प्यारी लगी। मैं भी कितना पागल हूँ, भला ये कैसे हो सकता है कि तुम दुल्हन बनो और हसीन अलग। चाहे मेरी दुल्हन बनो या किसी और की। आशर को धागे लिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज इस वक्त यहाँ से चले जाओ। बाहर सब लोग जमा, अगर किसी ने तुम्हें यहाँ मेरे साथ देख लिया तो हंगामा हो जाएगा, मेरा तमाशा बन जाएगा। मुझे इतना जलील मत करो कि मैं किसी के सामने सर ना उठा सकूं। तुम फिक्र नहीं करो, किसी को कुछ मालूम नहीं होगा। बस इतना समझ लो कि मैं वो परछाई हूं जो तुम्हारे साथ ना होकर भी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। ठीक तो यहाँ क्यों खड़ी हो? सब ठीक तो है ना? हाँ। अच्छा चलो, बुला रहे हैं, मेरे साथ चलो। फिर ये दिल रास्ता तू मेरा हो गया, मुझसे जो हादसा तू मेरा, गमजादा रूह से जिस्म थक जाएगा, दिल का है जख्म और थोड़ा पक जाएगा। शुक्रिया, बेवफा, शुक्रिया।
जानती है मैं क्यों हंस रहा हूं? जी नहीं। जानना चाहती हूं। जी। तो फिर एक बार अपनी निगाहें उठाकर मेरे चेहरे की तरफ देखो, तुम्हें तो सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपका पीछा नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपसे 5 मिनट बात करना चाहता हूँ, प्लीज। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज मेरा पीछा मत करें, लोग देख रहे हैं। मुझे किसी की परवाह नहीं है। आज मेरी जिंदगी का अहम तरीन दिन है। जिंदगी का एक ऐसा मोड़ जहां हर लड़की एक नई जिंदगी नए रिश्तों के साथ शुरू करती है। मैं सब कुछ भुलाकर अपनी नई जिंदगी का आगाज करना चाहती हूँ। मेरा ख्याल है आपको भी सब कुछ भुला देना चाहिए। इतना आसान है भुलाना? अगर चाहे तो सब मुमकिन है। ठीक कहा तुमने, सब कुछ मुमकिन है, लेकिन मेरे लिए उस थप्पड़ को भुलाना आसान नहीं है। उस थप्पड़ की गूंज आज तक मेरे कानों में गूंजती है, और अब जब भी तुम्हारा चेहरा देखूंगा मुझे वही हो जाएगा। लेकिन वो सब अनजाने में हुआ था। उस वक्त ना मैं आपको जानती थी, ना आप मुझे जानते थे। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, मैंने ये शादी सिर्फ अपने डैड की वजह से की है, इसलिए मुझसे किसी भी रिलेशनशिप की उम्मीद मत करना। मैं जिस अजियत से गुजरूंगा आयला, वो तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हारे बगैर जीना नामुमकिन था मेरे लिए, लेकिन अब तो मरना भी बहुत मुश्किल होगी। तुमने तो बड़ी आसानी से मुझे अपनी जिंदगी से अलग कर दिया, एक बार भी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे बगैर कैसे जी पाऊंगा। तो थी जिसके करीब रहकर मुझे किसी अपने का एहसास होता था, लेकिन तुमने वो भी मुझसे छीन लिया। ऐसे जीने का क्या फायदा है?
छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। छोटे साईं, बड़े साईं, नीचे गाड़ी में आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको लेने के लिए आए हैं। आज तो बहुत खुश दिखाई दे रहे। जाहिर है, तुम खुश नहीं हो? मैं तो खुश तब होती जब मैं अपनी मर्जी से अपनी पसंद की किसी ऊंचे बड़े खानदान की बहू लेकर आती, जो हमारे खानदान और स्टेटस के मुताबिक बहू आती। तो जानता हूँ तुम्हें भी, तुम्हारे खानदान को भी और तुम्हारे स्टेटस को भी। देखो, कामरान मेरा बेटा है, उसकी शादी कहाँ होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, किस वक्त होनी चाहिए, इस बारे में फिक्र मुझे होनी चाहिए या मेरे खानदान को, क्योंकि वो हमारे खानदान का नाम ले रहा है। तुम्हारे खानदान को इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ये बात मत भूलिए, क्या आपने इसी स्टेटस और खानदान की खातिर मुझसे शादी की? और मेरा वालिद अगर आपको सपोर्ट नहीं करता तो सोचिए आपकी क्या हैसियत होती। सब याद है मुझे, भूलता नहीं हूं ऐसी बातें। मैं क्या आज तक पछता रहा हूं इस रिश्ते पे, पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था, अंधा हो गया था या मेरी आंखों पे लालच की पट्टी बंध गई थी, मैं सब महसूस नहीं कर सका। काश मुझे जरा सा भी अंदाजा हो जाता कि तुमसे शादी करने के बाद यूं मैं और मेरे बच्चे बर्बाद होंगे तो कभी तुमसे शादी नहीं करता। और मुझे भी अगर मालूम होता कि आप इतने धोखेबाज हैं तो मैं भी कभी आपसे शादी नहीं करती। जरूरत क्या थी आदिल को शादी पर बुलाने की? क्यों क्यों ना बुलाता उसे, भाई है वो कामरान का, और अगर भाई भाई की खुशी में शरीक नहीं होगा तो कौन होगा? आपके कह देने से वो कामरान और सोनिया का भाई कभी नहीं बन सकता। मैं उसे अपनी औलाद कभी तस्लीम नहीं करूंगी, समझे आप? देखो, आज उसकी शादी हुई है, खुशी का दिन है, बेहतर होगा कि इस बारे में कोई तमाशा खड़ा न करो, प्लीज। बहुत खुश हैं आप? परवीन आ गई तो खुश ही नहीं हूं, बहुत पुरसुकून हूं और बहुत मुतमईन भी हूं। आज अल्लाह की मेहरबानी से हम अपने सारे फराइज से सुबुकदोश हो गए। जहां जेब एक अच्छी नौकरी पर है, उसकी शादी हो गई, एक प्यारा सा बच्चा है उसका, और आज आयला भी खैर से अपने घर की हो गई है। काश नायला को भी हम अपने हाथों से अपनी दुआओं में रुखसत कर पाते। उस बेबाक का नाम न लो मेरे सामने, उससे हमारा कोई ताल्लुक वास्ता और कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा, मर गई है वो हमारे लिए। और मेरा ख्याल है मुझे अब तुम्हें दोबारा याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं कि हमारे सिर्फ दो बच्चे हैं अब, जहां जेब और आयला। और मैं बहुत मुतमईन हूं
بس اب تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ وہ سکون کی موت دے دے. اللہ نہ کرے, کیسی باتیں کرتے ہیں آپ کو کچھ ہو, آپ کو تو میری عمر بھی لگ جائے. پروین بیگم, یہاں اپنی عمر میں اپنی زندگی گزارنا بہت مشکل ہے, اور تم اپنا بوجھ بھی مجھ پر ڈال رہی ہو. رات بہت گزر چکی ہے اور تھکن بھی بہت ہو گئی ہے, تم بھی تھک گئی ہو. لائٹس آف کرو اور سو جاؤ. اور کمبخت نیند کسے آئے گی؟ بیٹی جب گھر سے رخصت ہوتی ہے تو جہاں اس کی شادی کی خوشی ہوتی ہے, وہیں اس کی جدائی کی پہلی رات ماں پہ بہت بھاری گزرتی ہے. میاں کیا کر رہی ہو؟ وہ میں آپ آرام سے اندر چل کر بیڈ پہ سو جائیے پلیز. میں تمہارے ساتھ اس کمرے میں. ہو گئے, جاؤ یہاں سے. دیکھیے, غصہ کرنے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے, لیکن اگر یوں شادی کی پہلی رات, شادی کی پہلی رات میں تمہارے لیے ایسی اذیت بنا دوں گا جسے تم زندگی بھر نہیں بھلا سکو گی. ٹھیک کہا ہے, کبھی نہیں بھولوں گی ہماری شادی کی یہ پہلی رات, کیونکہ کسی بھی عورت کے لیے یہ رات اس کی زندگی کی سب سے اہم رات ہوتی ہے. لیکن آپ فکر مت کریں, میں آپ سے اس رات کا حق نہیں مانگوں گی. آپ بیڈ پر سو جائیے گا, میں صوفے پر سو جاؤں گی. میں نے کہا نا مجھے نہیں آنا, تم جاؤ یہاں سے. دیکھیے پلیز, صبح ہونے والی ہے, یوں شادی کی پہلی رات اگر آپ کو کسی نے یہاں دیکھ لیا تو کیا سوچے گا, اور اگر انکل نے دیکھ لیا تو. Thank you.
फिरो बेटा, मैंने सब कुछ आयला की पसंद का बनाया है, और तुम रास्ते से जाते हुए ना मिठाई और कुछ फल भी लेते हुए जाना, और हाँ फल अच्छे वाले लेकर जाना, लड़की का ससुराल है और वो लोग इतने अमीर भी हैं। अम्मी इसीलिए तो कह रहा था मैं कि ये सब कुछ रहने दें, हो सकता है उन्हें ये नाश्ता पसंद ही ना है, और अब ये फल कहाँ से लूंगा इतनी सुबह को मैं। बेटा बात उनकी पसंद की नहीं है, बात रिवायत की है, रस्म और रिवाज की है, और ये रस्म है शादी के दिन पहला नाश्ता लड़की के मैके से जाता है, उसकी खुशी के लिए, ताकि उसको मैके की याद ना आए और वो पहले ही दिन ससुराल में घुल मिल जाए। अच्छा ठीक है, आप बेफिक्र। अरे ये सारा कहाँ रह गई, देर हो रही है, बुलाओ उसे। अम्मी वो तैयार हो रही थी, मैं बुलाता हूँ। सारा, अरे भाई जल्दी आओ, देर हो जाएगी। हाँ हाँ, अरे यूं कहाँ हो गया, क्यों शोर मचाए जा रहे। लड़की के ससुराल का मामला है सारा, देर हो जाएगी। ससुराल का मामला है अम्मी, तभी तो इतने अच्छे से तैयार हो रही थी। अब आयला के ससुराल वाले इतने अमीर लोग हैं, तो कुछ तो ख्याल करना पड़ेगा ना। वो कहते हैं ऊंचे लोगों से रिश्ता जोड़े तो घर के दरवाजे भी ऊंचे करने पड़ते हैं। क्यों अम्मी, ठीक कह रही हूँ ना मैं? हाँ कह तो तुम ठीक ही रही, और वैसे भी फिर पहली बार जा रही हूँ मैं। उन्होंने शादी से पहले तो एक बार भी बुलाना गवारा ना किया, जबकि हमारा जाना बनता था कि जाकर देखें कैसे लोग हैं, कैसा घर बार है, वगैरह वगैरह। ये सब कुछ गैरों में देखा जाता है, अपनों में नहीं। और साकिब भाई गैर थोड़ी है। चलें साकिब अंकल ना सही, लेकिन उनकी फैमिली तो गैर ही है ना, ना कभी मिले ना मिलाए, अब हमें क्या पता किस तरह के लोग हैं, कैसा मिजाज है उनका। वैसे अम्मी नाश्ता लेकर जाएं तो लड़की के ससुराल वाले कुछ ना कुछ तो देते हैं ना। अब मेरा मतलब है जोड़ा वगैरह, अब हमारे घरों में तो ये होता है, मेरी अम्मा ने मेरे नाश्ते पर नायला और आयला दोनों को जोड़े दिए थे। ये तो अपनी अपनी खुशी की बात है, और ये तोहफों का लेन देन रिश्तों की मजबूती के लिए होता है, किसी लालच में नहीं। अम्मी अब हम चलते हैं, अगर यहाँ खड़े रहे तो ये सारा दिन बातों में निकाल देगी। हाँ जाओ। आयला के घर से आए, आयला कहाँ है? आयला बीबी तो अपने कमरे में, और बाकी सब घर वाले वो सब तो सो रहे हैं अभी। अच्छा ये नाश्ता हम आयला के लिए लाए थे और बाकी सब लोगों के लिए। सकीना कहाँ मर गई हो, इतनी देर हो गई, अभी तक कॉफी क्यों नहीं लाई हो? ये लोग, बेगम साहिबा ये लोग आयला बीबी के घर से आए। घर से इस वक्त खैरियत तो है? हम लोग नाश्ता लेकर आए हैं आयला और आप सब के लिए। नाश्ता लेकर, वो क्यों? बेगम साहिबा वो रस्म है, दुल्हन का पहला नाश्ता उसके महके से आता है। ओह, आप ऐसा कीजिए ये नाश्ता वापस ले जाइए, यहाँ ये नाश्ता कोई नहीं करेगा, सबके अपने अपने डाइट प्लान है। देखें अम्मी ने ये बड़े प्यार से बनाकर भिजवाया है, आप लोग ना सही आयला कर लेगी। अच्छा ठीक है, ऐसा करो ये नाश्ता इनसे लो और किचन में रखो, जब आयला उठे उसे दे देना, वो कर लेगी। मुझे मेरी कॉफी चाहिए, जल्दी से दो। अच्छा
ये क्या बात हुई? ठीक से बात भी नहीं की और ना ही बैठने को बोला। सकीना जी साहब जी, भाई हमारी बहू कहाँ है? उसे तो बुलाओ भाई, इस घर की बहू है और आज इस घर में पहला दिन है उसका। हाँ, ये आज हमारे घर में देसी नाश्ता कैसे नजर आ रहा? ये आयला बीबी के लिए है, उनके घर से आया है। वाह भाई, फिर तो ये भाभी ने अपने हाथ से पकाया होगा। अब जल्दी से आयला को बुला लो, जल्दी से आयला बुला लो, तो एक ठंडा ना हो जाए, जल्दी बुला। जी साहब जी। आपको नाश्ते पे बुला रहे हैं, आपके घर से आया नाश्ता। घर से कौन आया था? आपके भाई और भाभी आए थे। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आप लोग सो रहे थे, मैंने सोचा पहला दिन है, आप लोग लेट उठेंगे। तुम्हारी फ्लाइट कब की? बाबा बस एक दो रोज में, अभी सीट कंफर्म नहीं हुई। अच्छा ही है ना, नहीं मिल रही सीट तो दो चार दिन तो इस बहाने रुकोगे। आते हो तो रुका करो यार, कभी कभी तो आते हो तुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे वालेकुम सलाम, जीती रहो, खुश रहो, आओ बैठो, आओ आओ नाश्ते करें। चलो बेटा नाश्ता करो, शर्माया बगैर। देखो तुम्हें अब इस घर में कुछ भी चाहिए हो तो शर्माना और झिझकना नहीं है, इसलिए कि तुम इस घर की बहू हो, अब यही घर तुम्हारा है, तुम मालकन हो। जी और पता है, ये नाश्ता तुम्हारे मैके से आया है, मुझे यकीन है भाभी ने बनाया होगा और मैं भी आज यही खाऊंगा। Yeah, I mean.